क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ? आई चलिए आंटी, मैं लेके चलती हूँ। बीनवी, दिया बत्ती को टेम हो गया है। मैं पूजा कर लूँ। आऊँ। अरे राम। भैया, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। बोल बेटा, आपको आपके पापा का फैसला कैसे लगा? क्या आपको भी नया बेबी चाहिए? हाँ आंटी, उन्होंने मेरे लिए ही किया है। संध्या बुआ के पास दो दो बेबी आने वाले हैं और मीना बुआ के पास एक बेबी आने वाला है, तो मेरे पास तो होना चाहिए ना? सही है। चलो आंटी, मेरा भी एक बेबी होने वाला है। हाँ हाँ बुलबुल बिटिया, अच्छी बात है। बुलबुल बेटा आप जाओ, मैं आ जाऊंगी। हाँ ओके आंटी। मैंने देखा कि बुलबुल को देखते ही तुमने अपने बच्चे को छिपा दिया। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? अब क्या बताऊँ मैडम जी आपको, बुलबुल बिटिया को एक बच्चा चाहिए ही चाहिए। वो बहुत जिद कर रही है और आज तो उन्होंने मेरे बच्चे को कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। मैंने, मैम साहब ने और साहब ने कितना दरवाजा खटखटाया पर उन्होंने नहीं खोला। मेरे बच्चे को सांस की बीमारी है, उन्होंने दवा भी नहीं देने दी। वो तो जैसे तैसे करके सामने दरवाजा खुलवाया, वरना पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाता। बस इसी वजह से हम बुलबुल बिटिया से अपने बच्चे को बचा कर रखते हैं, पता नहीं कब क्या कर दे। आप बच्चों की संस्था से आई हो ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, आप इनको एक बच्चा दे दीजिए। बुलबुल बिटिया की इस जिद की वजह से सब लोग बहुत परेशान हैं, मानो बच्चा ने कोई खिलौना हो गया हो। साहब और मेम साहब की इकलौती होने के कारण वो लोग इसकी हर जिद पूरी करते हैं। अब देखो ना, बच्चा मांगा तो बच्चा भी गोद ले रहे हैं। बुलबुल बिटिया की खुशी से बढ़कर इनके लिए और कोई चीज नहीं है। अच्छा, मतलब बुलबुल बिटिया की जिद के लिए ये लोग बच्चा गोद ले रहे हैं? और नहीं तो क्या, एक बच्चा तो पहले ही उनके पास, वो थोड़ी ना सुनी पड़ी है उनकी। चार काजू कतली के डिब्बे लेके आ जा, जल्दी से अंकुर भाई जी के घर में। हाँ जल्दी आ। सूरज जी मिठाई? अंकुर जी मेरी तरफ से बताइए, अभी से ले लो आप, क्योंकि पहली परीक्षा में तो आप पास हो गए। बुलबुल, मैंने क्या कहा था बेटा कि अच्छे बच्चों की प्रार्थना भगवान जरूर सुनता है। खुश? हाँ पापा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बुलबुल बेटा, अब तो कुछ ही महीनों में आपके घर नया मेहमान आ जाएगा, अब तो आप बहुत खुश हो ना? पर मुझे तो कुछ ही महीने में नहीं, मुझे अभी बेबी चाहिए। पापा देखो ना, बुआ क्या बोल रही है। बेटा इतनी सब प्रोसीजर में टाइम तो लगेगा ना? अब देखो, वंदना आंटी यहाँ से जाएंगी, रिपोर्ट तैयार करेंगी, सबमिट करेगी, और फिर हमें भी तो जाना होगा ना बेबी को देखने के लिए। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना? वो सब बाद में भी तो कर सकते हैं ना, पहले मुझे मेरा बेबी दे दो। पापा ने तो कहा था ना कि वो मुझे बहुत जल्द मेरा बेबी ला के देंगे। पापा मैं वेट नहीं कर सकती, मुझे जल्दी चाहिए। क्या है वंदना जी? वो जी देख रही हूँ आपकी बिटिया बच्चे के लिए कितनी बेचैन है, लेकिन क्या वही उत्साह और बेचैनी आपके दिल में भी है? आप भी
दिल से बच्चा गोद लेना चाहते हो या बस अपनी बच्ची की जिद पूरी करना चाहते हो? आप लोग ये बात मत भूलिए कि ये एक बच्चे के भविष्य का मामला है। आपको एक ऐसे बच्चे के माता पिता होने का फर्ज निभाना है जिसे आपने पैदा ही नहीं किया है। क्या आप इसके लिए दिल से तैयार हैं? क्या आप उस बच्चे को बुलबुल की तरह प्यार और अधिकार देने को तैयार हैं? जी। आपकी हिचकिचाहट बता रही है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। हो सकता है जीवन में किसी मोड़ पर आपको ऐसा लगे कि आपने ये फैसला जल्दबाजी में लिया। देखिए, मजबूरी में गोद लिए गए बच्चों को अक्सर जो प्यार जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। आपकी बेटी की जिद के लिए मैं किसी दूसरे बच्चे के जिंदगी से खेलने की इजाजत आपको नहीं दे सकती। सॉरी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बच्चा गोद देते हैं जिनके परिवारों में बच्चों की जरूरत हो, ना कि उन्हें जो अपनी बच्ची के जिद के लिए बच्चा गोद लेना चाहते हैं। जी, लेकिन वो हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। सॉरी, क्या हुआ पापा? क्या बोला आंटी ने? बोल बोल बेटा, आंटी ने बेबी देने से मना कर दिया। पर मुझे बेबी चाहिए पापा। आपने कहा था ना कि संध्या बुआ से दोबारा बेबी नहीं मांगूंगी। मैं तुझे बेबी लाके दूंगा। पापा, आप प्रॉमिस तोड़ रहे हो। मुझे मेरे बेबी चाहिए, अभी लाके दो। कोई बात नहीं बुलबुल बेटा, हम किसी दूसरी जगह से कोशिश करेंगे, तुम्हें बेबी दिलाएंगे। करके चली गई तो नहीं, मुझे अपना बेबी चाहिए। हो दिया और बाकी हम स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।